महाकुंभ 2025 पर शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम विवाद, मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की उठी मांग। महाकुंभ को लेकर शुरू हुए धार्मिक और राजनीतिक बहस, आमने सामने आए हिंदू मुस्लिम संगठन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर जनवरी 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और हरित स्वरूप देने के लिए कुंभ मेला प्रशासन के सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ बेहद भव्य और आकर्षक होगा, लेकिन इस बीच महाकुंभ को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है जो सनातनी आस्था और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित कर रही है। जी हां, जनवरी में होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। एक पक्ष का तर्क है कि महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है और यहां मुसलमानों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आयोजन में आने से रोका नहीं जा सकता। ऐसे में एक बार फिर देश में हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज की पावन धरती पर 12 वर्षों बाद 2025 में दिव्य संयोग से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले 2013 में प्रयागराज संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था। आगामी महाकुंभ को सफल, भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार और प्रयागराज प्रशासन पूरे जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक और बौद्धिक पहल को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं भी लगी हैं, जो महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो गया है। संत समाज का एक वर्ग महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि हिंदू आस्था के इस आयोजन में गैर हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। संत समाज के अनुसार ये आयोजन सनातन धर्म की पवित्रता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है और किसी भी बाहरी तत्व का इसमें हस्तक्षेप अनुचित होगा। उनका ये भी तर्क है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए सनातनी मूल्यों और परंपराओं की समझ होना आवश्यक है। तो वही दूसरी ओर कुछ मुस्लिम संगठनों और उनके नेताओं ने इस मांग को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि अगर मुसलमानों को महाकुंभ में प्रवेश नहीं दिया गया तो धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर अन्य विवाद भी खड़े हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिलसिला कहीं न कहीं एक नए विवाद की शुरुआत करेगा। साथ ही उन्होंने इसे एक वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन भी बताया। इस तरह महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग को आर्थिक पहलुओं पर भी बहस छिड़ी हुई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कई मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। इस बार अगर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाता है तो उनके व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुछ स्थानीय मुस्लिम व्यापारी इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और मानते हैं कि इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। वहीं धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि महाकुंभ सनातनी साधु संतों और श्रद्धालुओं का सम्मेलन है और इसे धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से मुसलमानों की एंट्री को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस आयोजन का एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, इसे बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ग्राफिक व्यू आउट। देखा जाए तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग को लेकर एक अन्य कारण हाल ही में घटी कुछ घटनाओं को भी बताया जा रहा है। जैसे हाल ही में कई ऐसे वीडियो और खबरें आई जहां पर थूक और यूरिन को लेकर लोगों को खाना परोसा जा रहा था। ऐसे में आरोप लगाए गए कि खाने पीने की चीजों में थूकने और यूरिन करने जैसी घटनाओं में अधिकांश आरोपी मुसलमान ही थे। इसलिए इस तरह की घटनाओं के कारण हिंदू संगठनों में आक्रोश है और वे महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अब देखा जाए तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर ये विवाद धार्मिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन चुका है। देखना ये होगा कि इस मांग को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है और ये समाज के विभिन्न वर्गों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।